ललितपुर जिले के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छिल्ला से कारीसा संपर्क मार्ग की पुलिया पिछले 2 माह पहले अधिक बारिश होने के कारण टूट गई है, जिससे यहां पर रहने वाले निर्भय सिंह सहित 1500 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या परेशानी है? ये पुलिया में मटेरियल खराब लगने के कारण थोड़ी बूंद बारिश भी, अब पुलिया धराशाई हो गई, ना इसकी नी भरी, ना पिचिंग लगे, ना नीचे सिल्फ ढालू हुई है। परेशानी तो सुबह सुबह सबसे बड़ी है सोच की परेशानी, तो बूढ़ी महिला, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे सब सोच कर भी गए खेतन पे जात, और जब खेतन पे जाओ तो ऐसी पुलिया पे हो जे रास्ता खराब होगी, मैं गिरे तो करो एक तो डूबे के मर जाए, अगर कोनो गिरो फिसलो महिलाएं तो हाथ पाँव वैसी बूढ़ी है, वैसे हाथ पाँव टूट जाए तो फिसल भी को सबसे ज़्यादा डर है। और खेती बाड़ी काम है, अब खेती पे जाना तो सुबह से चारों काट भी जाना, घास काट भी जाना, अपने निराई गुड़ाई कर भी जाना, महिलाओं को विशेष कर जाना, अगर ऐसी स्थिति में महिलाएं यहाँ से निकली थोड़ी चप्पल में माटी लगी और गिरी धराशाई होगी, हम जा चाहते अच्छी से अच्छी पुलिया बन जाए और जी में सुविधा हो जाए गाँव भर के लाने। पुलिया कैसे टूटी? ये अभी बारिश काफ़ी तेज बारिश हुई, इससे पुलिया पूरी साली बह गई, और इससे अब अभी 2 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, इससे अब ठीक निर्माण नहीं हुआ, इसलिए अब इसी को अच्छी तरह बनना चाहिए, इससे परेशानी लोगों के लिए दिक्कत हो रही है, खेतों पे चारा काटने के लिए जाना पड़ता है, दवा डालने के लिए और खेत देखने के लिए, फिर कोई नहीं निकल नहीं पा रहा है यहाँ से। अगर पुलिया होती तो क्या फ़ायदा होता? पुलिया होती तो अपने साधनों से जाते, पैदल नहीं जाना पड़ता, इससे काफ़ी समय की बर्बादी नहीं होती हमारे, बहुत सारे समय बच जाता। और आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इस पुलिया का निर्माण बहुत अच्छी तरह से जल्दी होना चाहिए। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस पुलिया का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग वृद्धा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-53-62-23-90 पर कॉल करके दबाव बनाएं, जिससे इनकी परेशानी दूर हो सके। मैं शंकर लाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।